हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू व्लॉग। आज करवा चौथ है तो हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और देखिए, मैडम ने करवा चौथ अपनी शुरू से ही, सुबह से ही शुरुआत कर दी है। अपनी साड़ियों का कलेक्शन निकाल लिया है और वो बेटी को दिखा रही हैं कि मैं आज शाम को क्या पहनूंगी। ये देखो, ये लहंगा की चुन्नी है जो मुझे बहुत ये। अच्छी लग रही है, हाँ, ऐसे अच्छी लग रही है, ऐसी अच्छी लग रही है ना। नेट पर घूंघट अच्छा लगता है बस। बस ऊपर देखो, मैं तो कह रहा हूँ तुम ज्यादा ही मत बोलो वरना प्यास लगेगी। चुप रहो, चुप। आज का मेरा आउटपुट ये है। ये है एक्चुअली, ये जो कवर हैं वो मार्केट में थोक की दुकान पर 15-15 रुपये में मिल रहे थे। तो हम ऐसे कितने पीस लेके आए तुम ही दो बताओ। दर्जन 2 दर्जन तुम्हें? 2 दर्जन साड़ियाँ हैं? उससे कहीं ज्यादा। इतने तो मुझे पैंट शर्ट भी नहीं है भाई। और आज हम बहुत लेट उठे, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी हमें नहा धो के एक जगह और जाना है। बेटे को नहीं बताया मैंने अभी, हम जा रहे हैं वैसे आज पटाखे लेने दीपावली के लिए। अब वो जाते हैं हम गोदाम से लेने, गोदाम से थोड़े पता नहीं सस्ते, है, गोदाम से उसको थोड़े पता सस्ते। नहीं हाँ, है। उसको नहीं पता है बिल्कुल, पापा ने ये कही थी कि मैं और मेरे सर जा रहे हैं ऑफिस, उसका मुंह लटक गया। जबकि हम मतलब पिछली 2 दिवालियों से पटाखे गोदाम से लेके आते हैं ताकि वो थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, वरना ऐसे फुटकर तो बहुत महंगे पड़ते हैं। नहा रहा लेकिन है इसलिए तो सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, वो नहा रहा है, ऐसे नहाने दो और फिर मैं नहा धो के निकलूंगा यहाँ से। करीब हमने वैसे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पहुँचने का। मैं देखने आई हूँ कि किचन में कटर कटर की आवाज आने लगी। वाली चाय बना दे, हमने तो चाय पी ली। वाली अपने हाथों से चाय बना दी। इसमें मजबूरी है, अपने आप पी नहीं सकते। या तो आपकी सास आपके साथ रहती हूँ वो पिला दे, या पति पिला या दे। पति पिला दे, अपने आप नहीं पी सकते। कहाँ जा रहे हो? आज करवा चौथ है ना, तैयार हो गया हूँ। और मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी। करवा चौथ पर सिर्फ औरतें तैयार हो सकती हैं, आप भी तैयार नहीं हो सकते? देखते हैं सर ने कैसी चाय बनाई है। वाह, अच्छी तो लग रही है यार। मैंने आधी कप चीनी डाली थी, आधी कप के हिसाब से तो चाय ज्यादा है। आधी कप नहीं, आधी चम्मच। सब भूल जाता हूँ, भूखा रहेगा। भाई क्या बना रहा है भाई? दिया देखो तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, तुम्हारी करवा चौथ की तैयारी ये कर रहा है। नहीं, ये स्कूल का एक्टिविटी है। वाह, स्कूल की एक्टिविटी है ये? ये बना दिया इसने। है अच्छा लग रहा है यार, इसने अकेले है ना, अकेले बना लिया। मम्मी पापा पटाखे लिए आए, पटाखे लिए आए। किस चेहरे पे ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है? भैया बोरा भर के। अरे इसमें तो वही सर के हैं। अच्छा, अभी सर के निकले नहीं है? नहीं निकल गए, हाथों ये स्कूटी पे थे। पहले रोहित सर को घर छोड़ कर आए हैं। कितना भी कर लो, माया गया यार, नहीं होता है। आपको तो कुछ नहीं मिलता। ए तो शाम के खाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूड़ी बन रही है ना, और कचौड़ी भी बनेगी। और क्या सब बनेगा सौ रुपये? क्या क्या आइटम है जरा देखें। मीठे में तो खीर बना दी। खीर बना दी? अरे वाह, गोभी गोभी आलू, आलू। ट्रेडिशनल सब्जी और पनीर। अजी पनीर है और ये रायता है, अभी इसमें छौंका नहीं लगा। सागर मच गया था बेटा। ये प्लेट हमने कब बनाई थी? पिछली साल से, पिछली साल। तो देखो पापा भी तैयार हो गए, कुर्ता पजामा पहने पापा ने। ये मंचने के सामान? हाँ बेटा, अब इसमें पैसे रखे जाएंगे। ये एक में ओ केसर वाटी। केसर वाटी से दीदी चेहरे पे हंसी देखो। एक केसर वाटी और वो एक गोले की बर्फी, वो मम्मी को अच्छी लगती है। लेकिन मैं हंसू ना हंसू, खाना तो मुझे सब ही पूजा करनी है तो सर पे चुंदरी और डाल दूँ। है चलो, ये मुझे साउथ इंडियन आज मैंने, का आज मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम लगाया है। दिखाओ हमें। देखो ओरिजिनल फूलों का है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप लोगों को यहाँ तो पता नहीं चल रही होगी पर हमको पता चली। वर आज सर लेकर आए मेरे लिए। थैंक यू। चलो ये पूजा करते हैं, पहले चुंदरी ओढ़ लो। हाँ। जाएगा। तो अब हो गया पूजा का टाइम, पापा भी आ गए। चलिए कथा सुनते हैं। कार्तिक वदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं, जिसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। बोलो करवा चौथ मैया की जय, बोलो इंद्राणी मैया की जय।
इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है, कुछ ही देर रह गई हैं चांद के दर्शन में। वैसे तो चांद हमारे यहाँ नीचे भी है जो पहले से ही खिला खिला है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज हम कैसे लग रहे हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं छत पर, देखते हैं चांद के दर्शन होते हैं या अभी नहीं, क्योंकि पौने नौ तो बज गए। हाँ समय है अभी 9:10 कम है, टाइम तो वैसे हो गया है। और पटाखे हमारा लड़का ले जाएगा संग, और बेटे को बस पड़ी है पटाखे चलाने की। इतने पटाखे अपने रख लिए हैं कि पापा बस चांद मुझे दिख जाए और मैं अपना व्रत तोड़ूं, पटाखे चलाऊं। तो क्या कुछ सामान हमें भी ले जाना है क्या? नहीं। तो चलते हैं हम छत पर। आओ भाई सब लोग आ जाओ। देखो चांद निकला आया है। हो गई पूजा खत्म? आज बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा ना, हमने लेट पूजा किया हर बार की अपेक्षा। बच्चों को भी भूख लग रही है और तुम्हें भी लग रही होगी। अरे वाह देखो क्या थाली लगाई है, चलो आओ। ये किसकी थाली है? सबसे पहले घर के बड़े मेंबर की। मेरी थाली इतनी बड़ी? मैं भी खाऊंगी ना। हाँ साथ में खाएंगे ना। पहले बच्चों को दे दो। हाँ पहले बच्चों को दो। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया, मैडम ने भी खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया, सब अब खाना खा के फ्री हैं। और अब आप देख सकते हैं सबके चेहरे पर थकान है क्योंकि आज सबने काम किया है। मैडम ने तो बहुत ही ज़्यादा काम किया है, बेटी ने बहुत सारा काम किया है और इसी वजह से आज थकान भी है। तो दोस्तों आज का हमारा करवा चौथ ब्लॉग आपको कैसा लगा, ये करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम आपसे फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।